Hi guys, welcome back to my channel Food and Face. तो कैसे friends आप सब? I'm also fit and fine friends. आज की वीडियो है स्किन केयर के बारे में. आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी एक DIY फेस पैक जो होगा बहुत 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 ही ज्यादा इफेक्टिव. फ्रेंड्स सब मेरे से पूछते हैं कि हम क्या लगाएं और जैसे कि मेरी स्किन भी ग्लो करे, मेरी स्किन टाइट रहे, मेरी स्किन हेल्दी रहे. तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आप सब लोगों के साथ ये चीज शेयर करना चाहूंगी कि देखो DIY हो या कोई भी बाजार का प्रोडक्ट हो कोई भी चीज में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है. आप कोई भी चीज को कंटिन्यू अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे तो ही उसका रिजल्ट आपको दिखेगा. सब मेरे से पूछते हैं मैम आप क्या लगाते हैं. मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ घर के प्रोडक्ट्स ही लगाती हूँ. बट मेक श्योर कि आपको कंटिन्यू वो चीज करनी है अपनी स्किन के लिए, क्योंकि कोई भी चीज का इफेक्ट उसके कंटिन्यू यूज के बाद ही दिखता है. तो आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ मेरा सीक्रेट DIY फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जो होगा बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव. वो इतना कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेस पैक नहीं है, नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स है. बट मेक श्योर कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है और कौन सी चीजें लेनी है और कब कब अप्लाई करना है, ये सब चीजें बहुत इफेक्टिव रहती हैं हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए. तो मेक श्योर जो फेस पैक मैं आज आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपको कंटिन्यू अप्लाई करना है फॉर मिनिमम फॉर 1 month. तो डेफिनेटली आपकी स्किन ग्लो करेगी, अंदर से निखार आएगा आपकी फेस पे, आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा, आपकी स्किन टाइट होगी, ओपन पोर्स की जिनको प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होगी, आपकी स्किन हेल्दी होगी. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो. मेक श्योर वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय. चलो जल्दी चलो फ्रेंड्स. मुल्तानी मिट्टी मीन्स जो फुलर्स इंग्लिश में बोलते हैं वो हमारे पुरख मतलब आज काज से चलती आई है. जो रानियां महारानियां होती थी महाराजाओं की वो भी मुल्तानी मिट्टी को ही अप्लाई करते थे अपने फेस पे अपने फेस के निखार के लिए. तो आज भी वही चीजें आज की लाइफस्टाइल में भी वो ही इफेक्ट दिखाती हैं, उतनी ही असरदारक हैं जो पहले थी. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं जो DIY फेस पैक बनाऊंगी उसमें मैं यूज करूंगी मुल्तानी मिट्टी जो इजीली सबके पास घर पे अवेलेबल होती है. ठीक है, और सेकेंडली हम इसमें यूज करेंगे हमारे निखार को एनहेंस करने के लिए, हमारे कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए चंदन पाउडर. चंदन पाउडर मीन्स आपकी स्किन में ग्लो लाएगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगा और इजीली वो भी अवेलेबल होता है. बट मेक श्योर आप जो चंदन पाउडर यूज करें ना वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. ऐसे कहीं से भी 5-10 रुपए का आप नहीं ले लें, उसका इफेक्ट नहीं आएगा. आप अच्छी ब्रांड का लें, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें, काफी टाइम चलेगा. ठीक है, तो ये दोनों मेन बेसिक इन्ग्रीडियंट्स हैं हमारी स्किन की सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है. ठीक है, तो ये वाला फेस पैक आपको रेगुलर भी आप अप्लाई कर सकते हो या तो अल्टरनेटिव्स डे पे भी अप्लाई कर सकते हो. और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी विटामिन सी मींस ग्लो. विटामिन सी की हेल्प से हमारे स्किन पे ग्लो आता है. ठीक है, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अगर किसी की स्किन पे स्पॉट्स हो, ग्लो नहीं हो, किसी को अपना कॉम्प्लेक्शन फेयर करना हो तो विटामिन सी की सप्लीमेंट्स भी बहुत ही कॉस्टली होती है. तो आज मैं आप सब लोगों के साथ जो DIY फेस पैक शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अफोर्डेबल है. इसके रेगुलर यूज से आपको निखार मिलेगा. विटामिन सी की टैबलेट्स आई थिंक 1000 के भी अप आती है उनके सप्लीमेंट्स, उसके इक्वल आपको निखार मिलेगा. मींस आपको बहुत सारे पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, सिर्फ आपको रेगुलर टाइम देना है. ठीक है, बहुत हो गई अभी भगभग मेरी, बहुत मैंने तारीफ कर ली तो अभी चलते चलते मैं आपको DIY फेस पैक बनाना स्टार्ट करती हूँ. बट मेक श्योर आपको कंटिन्यू करना है, आपकी सब प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है ये फेस पैक, इसमें कोई वेरिएशन नहीं करना है. बाकी जो भी बातें हैं मैं आपको ड्यूरिंग इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊंगी कि क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं. फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो. सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूं. यहाँ पे मैं ले रही हूँ फुलर्स अर्थ मींस मुल्तानी मिट्टी जिसकी मैंने पहले ही बात की थी. मेक श्योर फ्रेंड्स आप जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करें वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. स्पेशली चंदन सैंडलवुड पाउडर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. यह आपकी रंगत को निखारेगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगा, आपकी स्किन पे ग्लो लाएगा,
फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल, ये आपको स्मूद एंड सॉफ्ट इफेक्ट देगी आपकी स्किन पे। उसके बाद ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, जो भी एसेंशियल ऑयल आपके पास अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं, लवेंडर, टर्मरिक एंड टी ट्री, जो भी, एंड ऑलिव ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ जूस और इसको एकदम पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी में ला दूंगी मैं, जिस तरीके से हम इसको ईजिली अप्लाई कर सकें। आप रोज़ वाटर की भी हेल्प ले सकते हैं, नॉर्मल वाटर की भी हेल्प ले सकते हैं। अभी यहाँ पे एक्सेस जूस थोड़ा बचा है, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ और ये हमारा फेस पैक अभी बन के तैयार है। फ्रेंड्स, अब हम ये वाला फेस पैक अप्लाई करेंगे हमारे फेस पे। उसके लिए सबसे पहले मैं जो ऑरेंज थी सेकंड स्लाइस, उससे मैं मेरे फेस को करूँगी क्लीन। ये वाला स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। विटामिन सी मीन्स ऑरेंज, इसकी हेल्प से आपकी स्किन ग्लो करेगी, डर्ट और एक्सेस गंदगी निकल जाएगी। ये वाले स्टेप करने से आपका फेस एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। फेस पैक अप्लाई करने के लिए आप इसको ज़रूर लगाएं, और नॉर्मली भी आपकी ऑरेंजेस बचती हो तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आपकी स्किन क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। ये सॉरी गिर गया थोड़ा, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे और इसके बाद हम वॉश कर लेंगे, एंड वॉश करने के बाद फिर हम अप्लाई करेंगे फेस पैक। फ्रेंड्स, ये वाला फेस पैक आपकी रंगत को निखारेगा, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है, आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगा, आपके फेस पे ग्लो लाएगा। और ये मसाज करने के बाद मुझे बहुत ही रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, और ये एक ही स्टेप से आई कैन फील माई स्किन वेरी स्मूद एंड सॉफ्ट। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस पैक। फ्रेंड्स, खाली मेक श्योर आपको कंटिन्यू करना है ये वाला जो फेस पैक का जो मैं 2 स्टेप बता रही हूँ फॉर अ मंथ। आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाएगा, आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा, लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या लगाना स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स, मैंने वॉश कर दिया है, यू कैन सी आपको एक ही यूज से आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर लगेगा, आपकी स्किन स्मूद एंड सॉफ्ट लगेगी, एकदम प्लम्प जैसी स्किन लगेगी। तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करें और मुझे नीचे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का दी आई वाई फेस पैक वीडियो। इसको आपको सीरियसली एक्सेप्ट करना है अपनी लाइफ में और अप्लाई करना है, और मुझे याद करना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये डी आई वाई फेस पैक आप इसको कंटिन्यू अपनी लाइफ में करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपकी स्किन 1, 2, 3 स्टेप मोर हेल्दी हो जाएगी। आपको खुद अपनी फेस पे निखार दिखेगा, आपके फेस पे ग्लो दिखेगा, आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा, आपकी स्किन हेल्दी होगी। तो मस्ट ट्राई DIY फेस पैक है, इजी है, अफोर्डेबल है, जरूर ट्राई करें। और ये वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कर दें। मैं आप सब लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर।